गुड मॉर्निंग टूडे विल बी डिस्कसिंग इन ऑर्गेनाइजनल मैनेजमेंट डी सेंट्रलाइजेशन डी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीशंस व्हिच गाइड द एक्शन ऑफ अदर्स अथॉरिटी क्या होता है कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु डायरेक्ट्स एंड कॉर्डिनेट्स द एक्शंस ऑफ अदर्स वो दूसरे के काम को डायरेक्शन देते हैं कॉर्डिनेशन कॉर्डिनेट करते हैं उस चीज़ को अथॉरिटी बोला जाता है ऑथॉरिटी क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डायरेक्शन देते हैं कमांड करते हैं और कंट्रोल करते हैं उनके एक्शंस को वो अथॉरिटी होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द वर्ड डेलीगेशन मीन्स दैट हुई पर्सन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड विथ हुईच ऑथॉरिटी ठीक है किस इंसान को क्या अथॉरिटी देना चाहिए ओके द वर्ड डेलीगेशन मीन्स डेलीगेट करना काम डेलीगेट करना और काम बांटना और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ऑथॉरिटी को बांटना ठीक है इन एन ऑर्गेनाइजेशन वन इंडिविजुअल कैन नॉट कंट्रोल एंड कैन नॉट कॉर्डिनेट विथ

कोऑर्डिनेट करता कर सकते हैं और सुपरवाइज़ कर सकते हैं hmm. एलिमेंट्स क्या होते हैं डेलीगेशन के अथॉरिटी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन इज़ अथॉरिटी ओके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द टर्म की व्हिच पर्सन इज़ टू प्रोवाइडेड विथ व्हिच अथॉरिटी व्हिच पावर एंड सो दैट द पीपल कैन बी यू नो कोऑर्डिनेटेड एंड गाइडेड विद इन ए पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ओके पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के आधार पे लोगों को गाइड किया जाए और डायरेक्ट किया जाए द सेकेंड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑनली पावर इज नॉट डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद दैट पावर इज ऑल्सो डेलीगेटेड ठीक है सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बॉस है और वो एक मालिक है कंपनी का एंड ही इज सेग वाट एवर और वो करना है नहीं रेस्पांसिबिलिटी भी आप डेलीकेट करते हो ओके वेन यू डेलीगेट ऑथोरिटी यू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ओके एंड अकाउंटिबिलिटी अकाउंटिबिलिटी मतलब हिसाब कि आप किसके लिए अकाउंटेबल हैं किस काम के लिए आप अकाउंटेबल हैं ओके इफ़ यू हैव ऑथॉरिटी इफ़ यू हैव रेस्पॉन्स देन यू विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ़ यू हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी देन यू विल बी अकाउंटेबल टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास ऑथोरिटी है तो आपके आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और आपके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन यू विल हैव अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क ओके नाउ देयर आर द Uh, there is one term called decentralization. Decentralization means जैसे हम लोग delegation of authority पर Delegation of authority में क्या होता है कि power is not uh, concentrated it in within one person या on a group of people. Power जो होता है organization में जो power होता है वो एक बंदे या कुछ बंदों में सीमित नहीं होता है. तो क्या होगा वो काम नहीं कर पाएंगे. अगर मान लीजिए एक दुकानदार है, there is one shopkeeper, तो he is the

Then it is called decentralization. This is one form of decentralization. It is actually the basic of decentralization. Decentralization means that where the power is not centralized, where the power is distributed among different departments or different sectors of the organization. Okay? Decentralization is the delegation of decision making authority throughout an organization by allowing managers at various operating levels to make key decisions relating to the area of responsibility. जो उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें डिसीजन मेकिंग उनके पास जो अथॉरिटी है डिसीजन लेने का उनके पास जो अथॉरिटी है काम करने का ठीक है उनके पास अथॉरिटी है कोऑर्डिनेट करने का उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ए डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन वेयर पावर इज नॉट लिमिटेड टू ए सर्टेन पीपल ओके नाउ डिसेंट्रलाइजेशन इज ए मैटर ऑफ डिग्री सिंस ऑल ऑर्गेनाइजन आर डिसेंट्रलाइज्ड टू सम एक्सटेंट आउट ऑफ नेसेसिटी ज़रूरत के हिसाब से सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं छोटे से बड़े एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज समटलाइज्ड ओके सो एडवाटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स आर डिवाइडेड विद इन पीपल लोगों को डिवाइड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर वन पर्सन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एवरी थिंग उसमें क्या होगा कि अगर एक बंदा गलती करता है तो इट डज नॉट मीन द ऑर्गेनाइशन कोलैप्स ओके वन मोर थिंग इज देयर दैट वेन डिसेंट्रलाइजिंग

सो डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कुछ कुछ है कि डिसएडवांटेज इन डिसेंट्रलाइजेशन तब होता है जब प्रॉपर वे में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाए सिस्टेमेटिक वे में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो ठीक है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अगर नहीं अवेलेबल हो ओके देन डिसेंट्रलाइजेशन में गड़बड़ होता है डिसेंट्रलाइजेशन एज ए मैथड इज़ नॉट रॉन्ग बट एप्लीकेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में भी प्रॉब्लमेटिक uh, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ओके डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है बट उसका एप्लीकेशन अगर उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर, कर किया जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ओके सो वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज डन ओके डिसेंट्रलाइजेशन इज डन एज आई सेट यू नो टू यू नो डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एमोंग डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन भी कंट्रोल्ड इन ए बेटर वे तो जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो द पावर इज डिवाइडेड इन द डिपार्टमेंट्स ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइड ठीक है अलग अलग आइडेंटिटी उनका उस डिपार्टमेंट्स का होता है ठीक है तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है इट इज़ ए प्रोसेस बाई हुई सिमिलर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर ग्रुप्ड इन टू यूनिट्स जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनको एक यूनिट में ग्रुप किया जाता है ओके सिविल डिपार्टमेंट होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है अकाउंट्स uh, डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है तो जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको एक तरह से ग्रुप किया जाता है उसको एक डिपार्टमेंट में बनाया जाता है ओके सो डिपार्टमेंटेशन इज डन बिकॉज टू प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क क्योंकि एवरी डिपार्टमेंट एवरी फील्ड नीड्स ए स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ पीपल सो जिसमें जिनका स्पेशलाइजेशन होता है उनको एक साथ ग्रुप किया जाता है दैट्स डिपार्टमेंटलाइजेशन इज डन ओके इन बिग कंपनीज़ एंड

और अभी फिर है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट स्पैन ऑफ कंट्रोल स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि द क्वांटम ऑफ कंट्रोल और द क्वांटम ऑफ पावर ए पर्सन प्रोसेस एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल दोनों सेम है रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट ए मैनेजर कैन एफिशेंटली मैनेज स्पैन ऑफ कंट्रोल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक आदमी कितना लोगों को या फिर कितना संगठन के कितने हिस्से को वो कंट्रोल करेगा ओके द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट डायरेक्टली रिपोर्ट टू द मैनेजर इज नोन एज स्पैन ठीक है स्पैन मीन्स द इट इज़ अ मेजरिंग यूनिट कि वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है एक साथ दस लोगों को सौ लोगों को या उससे ज़्यादा स्पैन ऑफ़ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द कॉम्प्लेक्टी ऑफ एन इंडिविजुअुअल मैनेजर्स जॉब एंड डिटरमाइनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाजेशन ओके स्पेन ऑफ कंट्रोल और स्पेन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड इट डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिसाइड हिज स्पैन उसका जो स्पैन है उसका जो कंट्रोल और करने का जो रेंज है वो डिपेंड किस में करता है वो डिपेंड करता है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है उसका एक्सपीरियंस क्या है और वो किस तरह का उसका परफॉर्मेंस है ओके विथ पीपल वाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द स्पैन कैपेसिटी ऑफ द मैनेजर एज आई सेट कैपेसिटी ऑफ द सबोर्डिनेट्स आल्सो ऑल्सो कि सबोर्डिनेट्स कितने इफिशियंट है अगर सब हाईली इफिशियट तो सारे जो मैनेजर्स होते होंगे उनकी स्पैन वो वो लो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकेंगे बिकॉज इट विल भी ईजियर टू कंट्रोल मोर पीपल बिकॉज द पीपल हु आर बींग कंट्रोल्ड आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी एफिशियंट अगर स्टूडेंट्स अच्छे हैं ठीक है सेवेंटी एट्टी स्टूडेंट्स भी क्लास में पढ़ सकते हैं बिकॉज इफ दे आर वेरी एफिशियंट ओके देन वन टीचर कैन कंट्रोल इफ़ दे स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी एफिशियंट देन देन द क्लास इज डिवाइडेड इंटू फिफ्टी स्टूडेंट सो दैट उसका स्पैन कम किया जाए ठीक है नेचर ऑफ वर्क कैसा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस बेसिस पर हुआ है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुआ है ठीक है कम्युनिकेशन मेथड्स क्या हैं ठीक है इफ़ कम्युनिकेशन मेथड्स अगर बहुत अच्छे हैं एंड बहुत स्मूथ हैं तो डेलीगेशन सॉरी स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा भी होता है तो कोई इसमें इशू नहीं है अगर कॉम्यनिकेशन uh, अगर प्रॉब्लमेटिक है जैसे आर्मीज़ uh, में है इट इज़ नॉट ईजी टू कम्युनिकेट विद इच अदर इन ड्यूरिंग दैट वन आर इन बॉर्डर और वन आर इन यू नो माउंटेन रेंजेस सो तब क्या होता है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है डिग्री ऑफ प्लानिंग क्या है और लेवल ऑफ़ मैनेजमेंट क्या है किस लेवल के मैनेजमेंट में वो काम करते हैं अगर टॉप लेवल में है तो देय स्पेन ऑफ कंट्रोल वीज दे कंट्रोलिंग द रीजन और द कंट्री रीजन हेड होते हैं नेशनल हेड्स होते हैं ठीक है और इवन क्या कहें कॉन्टीनेंट्स के कोई कोई हेड्स होते हैं कोई भी ऑर्गनाइजेशन के तो उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट में आपको पूरा देश का जो देश में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस उस कंपनी के जो भी ब्रांचेस है सबका कंट्रोल करना होगा या फिर ब्रांच हेड्स होते हैं ठीक है जोनल हेड्स होते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओके थैंक यू